नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्किन एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्किन एलर्जी यानी कि त्वचा रोग, जो स्किन पर होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो दाद हो, एक्जिमा हो, खाज खुजली हो, या सोराइसिस हो, आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो गया, गमोरियाँ निकल जाती हैं, पिम्पल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, यानी कई बार तो ड्राई इचिंग रहती है, सूखी खारिश होती है, और कई बार उनमें से पानी भी आता है, या कई बार खुजाते खुजाते खून निकलना शुरू हो जाता है, इतनी ज़्यादा खारिश होती है। तो जो स्किन प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, वो मेनली क्या होता है, धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण भी हो सकती हैं, कोई ब्लड इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी हो सकती हैं, नमी की वजह से भी हो सकती हैं, मौसम के बदलाव की वजह से भी हो सकती हैं, और गलत खान पान की वजह से भी हो सकती हैं। तो इसके लिए एक तो थोड़ा सा जैसे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर अपना अपने जो मतलब अंडर गारमेंट्स हैं, टॉवल है, वो सेपरेट रखना चाहिए, उनको डिटॉल वगैरह में वाश करना चाहिए, और अपने नीम का या डिटॉल का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीम के पत्तों को, टहनियों को उबाल कर उस पानी से भी नहाया जा सकता है। इसके साथ जैसे तुलसी के पत्ते अगर रूटीन में सेवन किया जाए तो वो एक तरह से खून को साफ़ करते हैं, या फिर नीम की कच्ची कौंपल है, उनको भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक ब्लड प्योरीफायर का काम करती हैं। इसके साथ आप अगर खारिश किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है तो नारियल का तेल और मुश्क कपूर जो हवन में इस्तेमाल होता है, उसको नारियल के तेल में मिलाकर उसकी मालिश कीजिए, ताकि खारिश जो है काफ़ी हद तक आराम आ सके। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर एलेरियो प्लस BC20। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कोम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है, पीने के लिए डॉक्टर एलेरियो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की एक कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 20 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा तेज मिर्च मसाला, तली भरी चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285742000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।